अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे हफ्ते बढ़त पर बंद हुए हैं। अमेरिका में महंगाई पर लगाम लगने के चलते ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा घरेलू बाजार में FII की तरफ से लौटी खरीदारी ने भी बाजार की सेंटिमेंट को सुधारा है। अच्छे मॉनसून और पहली तिमाही के अच्छे नतीजों ने भी बाजार में जोश भरा है। 12 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में BSE सेंसेक्स 1074.85 अंक यानी 1.84% की बढ़त के साथ 59,462.78 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 300.07 अंक यानी 1.72% की बढ़त के साथ 17,698.2 के स्तर पर बंद हुआ। जुलाई के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में 3% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। अलग अलग सेक्टर्स पर नजर डालें तो बीते हफ्ते BSE मेटल इंडेक्स में 5% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं कैपिटल गुड्स इंडेक्स में 4%, पावर इंडेक्स में 3.6% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं BSE FMCG इंडेक्स 1% टूटा है। FII भारतीय बाजार में नेट बायर रहे हैं। बीते हफ्ते FII ने भारतीय बाजार से 7,850.12 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि DII ने 2,478.19 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं अगस्त में FII ने अब तक 14,841.66 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, जबकि DII ने 4,243.78 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। डिपेंडेंट टेक्निकल एनालिस्ट मनीष शाह का कहना है कि इस हफ्ते निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पर एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ है। ये निफ्टी के लिए एक बड़ा सपोर्ट है क्योंकि ये लगातार चौथे हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुआ है। तेजी की गति थोड़ी धीमी है, लेकिन इस गति में मजबूती और टिकाऊपन का संकेत दिख रहा है। अब आगे निफ्टी में हमें 17,850 से 17,900 का स्तर देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल भी पार हो जाता है तो आगे ये बढ़त 18,600 तक जा सकती है। पिछले हफ्ते 50 स्मॉल कैप स्टॉक में 10-28% की तेजी देखने को मिली। इनमें वंडरला हॉलीडेज, TGV सराक, फोर्ब्स गोकक, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, BEML, कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, DMIs एंड केमिकल्स, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, गायत्री प्रोजेक्ट्स, जागरण प्रकाशन के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एवरेस्ट कांटो सिलेंडर, डायनेमिक प्रोडक्ट्स, बिरला टायर्स, फ्यूचर रिटेल, संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर और किर्लोस्कर ब्रदर्स जैसे स्मॉल कैप शेयरों में 15-33% की गिरावट देखने को मिली है। कोटक सिक्योरिटी के अमोल अठावले का कहना है कि निफ्टी ने वीकली चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बना लिया है, जो वर्तमान लेवल से और तेजी आने का संकेत है। हालांकि निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 17,900 से 18,000 और सेंसेक्स के लिए 60,000 से 60,300 पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। वहीं स्कॉचिस्टिक और RSI जैसे मोमेंटम इंडिकेटर ऊपरी लेवल पर कुछ मुनाफा वसूली के भी संकेत दे रहे हैं। अमोल अठावले ने आगे कहा कि बाजार में इस समय अस्थायी ओवरबॉट स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में नियर टर्म में सीमित दायरे में कारोबार हो सकता है। ऐसे में नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 17,400 से 17,300 और सेंसेक्स के लिए 58,500 से 58,200 पर सपोर्ट नजर आ रहा है। ट्रेडरों के लिए गिरावट पर खरीद और रैली में बिकवाली सबसे बेहतर रणनीति होगी। शेर खान के गौरव रत्न पारखी का कहना है कि निफ्टी में लगातार चौथे हफ्ते बढ़त देखने को मिली है और तेजी के इस क्रम में इसने तमाम शॉर्ट टर्म बाधाएं पार कर ली हैं और ये अपनी अहम ट्रेंड लाइन के करीब पहुंच गया है। लेवल की बात करें तो 17,750 से 17,800 का जोन निफ्टी के लिए ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा। ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडरों को सलाह होगी कि वे बीच बीच में मुनाफा वसूली करते रहें, जबकि पोजिशनल ट्रेडरों को सलाह होगी कि वे अपनी पोजीशन में बने रहें। रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि मंगलवार को बाजार सबसे पहले IIP और CPI जैसे मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों और ग्लोबल संकेतों पर रिएक्ट करेगा। ग्लोबल बाजार में हाल में आई तेजी और सभी सेक्टरों में हो रही रोटेशनल बाइंग से बाजार में और तेजी आने के संकेत कायम हैं। हालांकि बीच बीच में बाजार थोड़ा सुस्ताता नजर आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बाजार भागीदारों को अपनी पोजिशन तय करनी चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।